राजा उत्तानुपाद की पत्नी बड़ी वाली रानी सुनीति देवी के एक बालक है, बालक का नाम है ध्रुव, और छोटी रानी सुरुचि का एक पुत्र है, उसका नाम है उत्तम। और एक बार ये जो सुनीति देवी है राज्य में नहीं रहती, जंगल में रहती, राज्य से दूर एक जंगल है, वहां पर झोपड़ी बना करके, कुटिया बना करके वहां निवास करती है। और एक दिन बालक ध्रुव खेलने के लिए बाहर गए थे अपने दोस्तों के साथ में। दोस्तों ने पूछा कि देखो ध्रुव, तुमने माँ के बारे में तो बताया, ये भी बताओ तुम्हारे पिताजी कौन है, कहाँ रहते हैं। बालक को कुछ नहीं पता था, माँ से पूछा, माँ ने सारी बातें बता दिया। तुम्हारे जो पिताजी हैं वो राजा है, उनका नाम है महाराज उत्तानुपाद। बालक ध्रुव अपने पिता से मिलने के लिए महल में गए, जाकर के गोद में बैठे। पिता ने तो पुत्र को प्यार से गोद में बिठाया, लेकिन जैसे सुरुचि आई उसको पसंद नहीं आया और कई प्रकार से डांटा, गाली दिया, अरे तू यहाँ पर कैसे बैठ गया, पिता के गोद में बैठना है, इस आसन में बैठना है, तो जंगल में जाओ तपस्या करो, भगवान खुश होकर के वरदान मांगने को कहेंगे। तो उस समय कहना कि भगवान हमको सुरुचि माँ के यहाँ से जन्म दिला दो, अगर तुम मेरे बालक बन के आए तब जाकर यहाँ बैठ पाओ। ये जो बात है छोटे से बालक ध्रुव जी के दिल पर लग गया, और जैसे उनको बुरा लगा रोते रोते अपनी माँ के पास गए हैं। माँ ने पूछा, बेटा क्या हो गया, क्यों रो रहे हो। बालक ने सारी बातें बता दिया। मैया सुनीति देवी बोली कि देखो बेटा, सुरुचि माँ ने तुमको जो भी कहा, जंगल जाओ भजन करो, ये गलत नहीं कहा, कहने का तरीका गलत था, लेकिन उनकी बात सच्ची है। हर प्राणी को इस संसार में आने के बाद में भजन तो करना चाहिए, और इसलिए यहाँ पर बुरा मत मानो। और जैसे ध्रुव जी ने माँ के मुंह से सुना कि भजन करना अच्छी बात है, तो तुरंत ध्रुव जी ने संकल्प कर लिया, मैं जंगल में जाकर के भगवान का भजन करूंगा। 5 साल के बालक के मन में ये बात आ गया कि जंगल में जाकर के अगर मैं भजन करूंगा तो भगवान को प्राप्त करूंगा, और इन्होंने भगवान को पाया भी। आयु कितना है, केवल 5 वर्ष। और आजकल के 5 साल के बच्चों को ठीक से स्वयं से भोजन तक करना नहीं आता। बालक को गोद में लेकर के दादियां 24 घंटे खाना खिलाती रहती, लो बेटा थोड़ा खा लो, क्योंकि उसको आता ही नहीं खाना। जब से वो घर में आया, जब से पैदा हुआ, थोड़ा सा बड़ा हुआ, तो उसको लेकर के बैठने की वजह माँ क्या करती है, खुद को देखना है, सीरियल टीवी देखना है, तो फोन पर कार्टून लगा दिया और बेटा को पकड़ा दिया, वो देखता रह गया। और थोड़ा और बड़ा हुआ तो कार्टून देखता है, कॉमेडी देखता है, फनी वीडियोस देखता है, मोबाइल का ऐसा आदत लग गया। बहुत बड़ा भी हुआ तो भी मोबाइल नहीं छूटा। आजकल के बच्चे स्कूल से आते हैं और जैसे स्कूल से घर आए बैग फेंक करके जल्दी से हाथ पैर धोना, बाद में मम्मी चिल्लाती रहती, पहले हाथ पैर धो लो, नाश्ता कर लो, पानी पी लो, मम्मी खड़ी रहती है, लेकिन उसको लगता है कि जैसे तैसे स्कूल से छूट करके आया हूँ, मोबाइल कहाँ है, पागल की तरह मोबाइल ढूंढने लग जाता है। बालक को ये आदत आपने दिया है, आपने बिगाड़ा है। आपका बेटा छोटा है तो उस समय मोबाइल मत दो, आप गोद में ले लो, खिलाओ पिलाओ, उसको प्यार करो, आप उसको संभालो, उसके लिए टाइम दो। आपने समय नहीं दिया और बाद में जाकर के कहते हमारे बेटा में संस्कार की कमी, कहां से आएगा संस्कार, जब आपने समय था तब तो ध्यान नहीं दिया, आप क्यों रोओगे। आप आज रो रहे हैं ना, केवल आपकी अपनी गलती से रो रहे हैं। जैसा आदत कराओगे वैसा ही आपका बेटा होगा, इसलिए संस्कार बचपन से दो। ध्रुव जी की माँ ने ध्रुव जी को भजन करना सिखाया, इसलिए ध्रुव जी महाराज 5 वर्ष के उम्र में भगवान को प्राप्त करते हैं।
इनको लगा मेरी माँ ने कहा इसका अर्थ है कि जंगल में जाकर के मुझे भजन कर लेना चाहिए। ध्रुव जी महाराज घर से माँ को प्रणाम करके निकले हैं, जंगल की ओर प्रस्थान करते हैं। अब ये दृश्य देख करके नारद जी को लगा कि इतना सा बालक जंगल में अकेले जा रहा है। देवर्षि नारद जी आए और उन्होंने पूछा, बेटा तुम्हारा नाम क्या है, कहाँ जा रहे हो, क्या करते हो? ध्रुव जी ने कहा कि हमारा नाम ध्रुव है और मैं भगवान को पाना चाहता हूँ, इसलिए जंगल जाकर के भजन करूंगा। नारद जी ने जैसे सुना इतना सा बालक भजन करने जा रहा है, नारद जी ने कहा, बेटा ये कैसी बातें कर रहे हो, तुम्हारा ये उम्र थोड़ी है, 5 साल के हो, जंगल में जाओगे, बड़े बड़े जानवर आएंगे, हिंसक प्राणी रहते हैं जंगल में, वो तुम्हें खा लेंगे, मार लेंगे। अब ध्रुव जी ने कहा कि देखो आप कौन है, मैं जानना चाहता हूँ आप कौन है। नारद जी बोले कि हमारा नाम है नारद। ध्रुव जी ने कहा कि अच्छा, हमको तो ऐसा नहीं लगता। क्यों नहीं लगता? क्योंकि हमने सुना था नारद जी तो सदैव भक्तों को भगवान की ओर लेकर के जाते हैं, भगवान से जोड़ते हैं, और आप तो हमको भगवान से विमुख कर रहे हैं, तो आप कैसे नारद हो गए? अब जैसे नारद जी ने ये बात सुना, तब नारद जी ने विचार किया कि ये कोई साधारण बालक नहीं है, ये सच में भगवान को पाना चाहता है। फिर भी कई बार कहा कि बेटा घर चले जाओ, माँ के पास में रहो, खाओ खेलो, अभी तुम्हारा खेलने का उम्र है। लेकिन ध्रुव जी माने नहीं, मैं घर से निकला हूँ भगवान को पाने के लिए, और मेरा ये दृढ़ संकल्प है मैं बीच में पीछे मुड़ने वाला नहीं, इसलिए मुझे मत भड़काइए। ध्रुव जी के इस बाणी को सुन करके नारद जी को बड़ा अच्छा लगा, आनंद आया। नारद जी समझ गए ये कोई साधारण बालक तो नहीं हो सकता। नारद जी महाराज ने विचार किया, ये बालक साधारण नहीं है, ये क्षत्रिय का तेज हो सकता है। और नारद जी ने ध्रुव जी को पूछा, बेटा क्या तुम जानते हो भगवान कैसे हैं? तुमने कभी गुरु मंत्र लिया है? ध्रुव जी ने कहा, मुझे कुछ भी पता नहीं, मैंने गुरु मंत्र अभी तक नहीं लिया, प्राप्त नहीं किया। नारद जी ने ध्रुव जी महाराज को अपना चेला बनाया, शिष्य बनाया, और उन्होंने नारद जी महाराज को गुरु दीक्षा प्रदान किया, मंत्र प्रदान किया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ये द्वादश अक्षर महामंत्र नारद जी ने श्री ध्रुव जी महाराज को दिया है। जीवन में गुरु का होना अति आवश्यक है। आप लोग के गुरु जी हैं? किस किस ने गुरु बनाया, हाथ उठाना। दीक्षा लिए हो सच में, तो क्या बात है। आप लोग ने नहीं लिया तो ऐसे हाथ उठाओ ना। हाँ, तो कुछ लोगों ने तो नहीं लिया, बहुत लोगों ने गुरु मंत्र लिया है। गुरु जी का अर्थ समझते हैं आप लोग? गुरु वो होते हैं जो अंधकार से आपको निकाल करके प्रकाश से जोड़ दे। वो प्रकाश कौन है? भगवान है। प्रथम दिन में हमने चर्चा किया था, सच्चित आनंद रूपाय, सच्चिदानंद रूपाय, वो चित जो है वही प्रकाश है। और गुरु ऐसा काम करते हैं संसार के अज्ञान रूपी अंधकार से आपको निकाल करके उस प्रकाश से जोड़ देते हैं, यानी आपके जीवन में प्रकाश कर देते हैं, आपके जीवन को उजाला बना देते हैं। गुरु वो नौका के समान है, इस भवसागर को पार करने के लिए वो नौका का काम करते हैं। अगर आप सागर को पार करना चाहो और आप के पास में साधन नहीं है तो आप डूब जाओगे, निश्चित ही डूबोगे। लेकिन नौका है तो आप तैर जाओगे, पार कर जाओगे। गुरु वही नाव है, वो आपको भगवान के पास लेकर के जाते हैं। अगर व्यक्ति ने गुरु दीक्षा लिया है तो उस व्यक्ति का जिम्मेवारी गुरु के ऊपर होता है, कैसे भगवान तक पहुंचाना है गुरु पर छोड़ देना चाहिए। इसलिए जीवन में गुरु दीक्षा अति आवश्यक है। आज ध्रुव जी महाराज ने भगवान को पाया है तो केवल नारद जी के कारण, गुरु मंत्र प्राप्त किया है।
और उसके बाद नारद जी को प्रणाम करके आगे बढ़े। नारद जी ने आदेश किया, यमुना जी के तट में मधुवन नामक जगह है, आप वहां जाकर के तपस्या करिए। ध्रुव जी महाराज अपने गुरुदेव को प्रणाम करके आगे बढ़े और जैसे मधुवन में जाकर के आसन लगा करके बैठे, ध्रुव जी ने 5 महीने तक तपस्या किया, कठोर तपस्या किया है। इनका तपस्या ऐसा रहा, जब तपस्या करना प्रारंभ किया तो 1 महीने में, पहला महीना जब प्रारंभ हुआ, 3-3 दिन के अंतर में इन्होंने वन के कंदमूल फल को खा करके तपस्या किया, फिर भी भगवान नहीं आए। दूसरा महीना जैसे प्रारंभ हुआ, इन्होंने 6-6 दिन के अंतर में वन के सूखे पत्ते ग्रहण करके तप किया, फिर भी दर्शन नहीं हुआ। तीसरा महीना जैसे लगा, 9 दिन के अंतर में केवल इन्होंने जल पान करके तप किया, फिर भी भगवान ने दर्शन नहीं दिया। और जैसे चौथा महीना प्रारंभ हुआ, 12 दिन के अंतर में केवल हवा पान करके तप किया, फिर भी दर्शन नहीं मिला। अब पूरे देवी देवता देख रहे हैं, स्वर्ग में हलचल मच गया, भगवान क्या कर रहे हैं, इनका भक्त इतना कठोर तप कर रहा है और भगवान को फर्क नहीं पड़ रहा। समस्त देवी देवता गए भगवान को, कहा प्रभु ये क्या कर रहे हैं आप, जल्दी जाकर के दर्शन दे दो, वो आपके लिए अपने श्वास को तक रोक के तपस्या कर रहा है। 5वें महीने में ध्रुव जी ने श्वास को रोक दिया। भगवान बोले अब तो मैं उसको दर्शन देने नहीं, उसके दर्शन करने के लिए जाऊंगा। अगर भक्त भगवान के लिए इतना समर्पित हो जाए तो जितना तड़पन भक्त के भीतर होता है ना भगवान से मिलने का, उससे कई ज्यादा तड़पन भगवान को भक्त से मिलने के लिए होता है। आज ध्रुव जी से मिलने के लिए भगवान भी तड़प रहे हैं। जैसे मधुवन में ध्रुव जी महाराज तपस्या कर रहे हैं, भगवान आए सन्मुख खड़े हो गए, लेकिन ध्रुव जी महाराज ने आंख खोल करके नहीं देखा। कितनी विचित्र बात है, भगवान सामने खड़े, इन्होंने देखा ही नहीं। ध्रुव जी को लगा कि वो तो तपस्या कर रहे थे, भगवान को लगा कि बालक आंख नहीं खोल रहा है, मुझे आने के बाद भी देख नहीं रहा है, मुझे देख ही नहीं रहा, क्या कारण हो सकता है। तो भगवान को पता चला कि इसके भीतर जो मेरा छवि है, जो नारद जी ने बताया था, वो छवि इसने अपने अंतकरण में धारण किया है, जब तक इस छवि को मैं ना हटाऊं तब तक ये मुझे देखने वाले नहीं है। जैसे प्रभु ने अपनी छवि को, अपने तस्वीर को ध्रुव जी के अंतःकरण से जैसे मिटा दिया, ध्रुव जी डर गए और जैसे आंख को खोला, सामने साक्षात भगवान खड़े हैं। जैसे भगवान का दर्शन पाया, तुरंत आसन से उठ गए, हाथ जोड़ करके खड़े हो गए, साष्टांग दंडवत किया, प्रणाम किया, लेकिन ध्रुव जी महाराज को कुछ भी नहीं आता। कैसे स्तुति करें, कैसे प्रभु को मनाएं, इनको कुछ भी नहीं आता। तो उसके बाद में भगवान ने देखा, ध्रुव जी प्रणाम तो कर लिए लेकिन हाथ जोड़ के खड़े हैं। तब भगवान ने अपने शंख को ध्रुव जी के कपोल में, गाल में स्पर्श कराया तो ध्रुव जी को संपूर्ण शास्त्रों का ज्ञान हुआ। तो इन्होंने बड़े भाव से प्रभु का स्तुति किया। यो अंतः प्रविश्य मम बाच मीमां प्रसुप्ताम, हे प्रभु, हे नाथ, आपने हमारी सोई हुई बाड़ी को जगाया है, आप आए दर्शन दिया। मैं बालक अकिंचन था, मुझे कुछ भी पता नहीं था, न कभी मैं विद्यालय गया, न कभी मैंने ज्ञान प्राप्त किया, मैं तो कुछ भी नहीं जानता था, लेकिन आपकी कृपा, आपने मेरी ऊपर ऐसी कृपा किया कि मैं अज्ञानी भी ज्ञानी बन गया। देखो, भगवान की कृपा हो जाए तो मनुष्य कुछ भी कर सकता है। अगर भगवान की कृपा हो जाए, जो कभी कभी स्कूल जाकर के पढ़ा ही नहीं हो, उसको भी ज्ञान मिल जाता है। केवल प्रभु की कृपा पाने की कोशिश करो। आज जैसे ध्रुव जी महाराज ने प्रभु को देखा, सुंदर स्तुति गाया,
उसके बाद हाथ जोड़ के कहते हैं, प्रभु बस आप इतनी कृपा करिए, मुझे अपने चरणों से दूर मत करना, अपनी चरण से लगा के रखना। आज ध्रुव जी महाराज ने सुंदर स्तुति प्रभु का किया। भगवान बोले वरदान मांगो। तब ध्रुव जी बोले, प्रभु बस मुझे भक्ति का वरदान दो, और कुछ नहीं चाहिए, बस ये लगन कभी ना छूटे। भगवान ने कहा कि बेटा 36,000 वर्ष तक धरती पर शासन करो, और उसके बाद में हम आपको ध्रुव पद प्रदान करेंगे। ध्रुव जी महाराज ने 36,000 वर्ष तक धरती पर शासन किया है। भगवान वहां से अंतर्ध्यान हो गए। उसके बाद ध्रुव जी अपने घर गए। तत्पश्चात सभी ने ध्रुव जी का स्वागत किया। पहले ध्रुव जी महाराज जंगल में रहते थे, माँ के साथ में राज्य से दूर रहते थे। अब तो राज्य में ध्रुव जी का स्वागत हुआ। महाराज उत्तानुपाद को लगा कि मेरा 5 साल का बालक भगवान को प्राप्त करके आया, और मैं बूढ़ा हो गया, आज तक मैंने भगवान को पाने के लिए कुछ किया ही नहीं।